नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम सेहत और जिंदगी में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप लोग जानते हैं वो बेहद कीमती और बेहतरीन नुस्खे जो आप लोगों को सीधे बताते हैं हकीम साहब। तो दर्शकों, तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज भी कुछ अच्छे अच्छे नुस्खे आप लोगों तक पहुँचाए जाएंगे। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं या फिर आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, रोग संबंधी कोई भी सवाल मन में क्यों ना चल रहा हो, बस आप लोगों को करना क्या है, फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अदिया हर्ब्स के फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर और हिंदुस्तान के सबसे काबिल, कामयाब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, बात करना चाहूंगी मोटापे को लेके और इसके साथ ही दर्द को लेके। जो भी व्यक्ति ज्यादा वेट गेन कर लेता है या फिर मोटापा उसे बहुत ज्यादा हो जाता है, एक तो मोटापा बीमारियों का कारण भी हो सकता है और साथ ही साथ जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं तो इसका असर हमारे पैरों पर भी पड़ सकता है। क्या पैरों में दर्द उत्पन्न हो सकता है? मोटापा दरअसल वक्त से पहले बुढ़ापा है। यानी आप हैं जैसे, तो आपका संतुलित है जी जिस्म, और अगर इससे दुगना हो जाए तो आप बूढ़े से लगने लगे जी। तो यही सबका है कि मेरा वजन अगर इससे दुगना हो जाए तो मैं भी बुढ़ा सा लगने लगूंगा। देखने वाले को शायद मैं बहुत अच्छा लगूं, लेकिन ये जो भी वजन बढ़ता है वो हमारे पैरों पर ही तो लोड लेना है, पैरों पर, घुटनों पर, और आखिर तो कमर की रीत की हड्डी ही सब कुछ संभालती है। और बुढ़ापा बीमारियों को दावत देने की निशानी भी है। देखिए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मोटे नहीं हैं और उनको डायबिटीज़ है। 90% मोटे लोगों को डायबिटीज़ होती है, 95% थायराइड मोटे लोगों को होता है या थायराइड से मोटे हो जाते हैं, बात तो एक ही है। हमारे जिस्म में जो संतुलन है चीज़ों का वो बढ़ जाता है, और वो लोड चर्बी बढ़ने से हमारे दिल पर आता है और दिल मजबूर हो जाता है कि वो प्रेशर ले, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। खून में भी चर्बी हो जाती है, खून गाढ़ा हो गया तो दिल बड़ी मुश्किल से उसको फेंक पाता है। इसमें सबसे बड़ा काम मोटापे का ही होता है। मोटापा होगा तो डायबिटीज़ तय है, याद रखें, डायबिटीज़ आना तय है अगर मोटापा है, डायबिटीज़ आना तय है अगर आप अपने जिस्म की ज़रूरत की एक्सरसाइज नहीं करते। यानी पैदल चलना और एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव इसे कहते हैं कि जैसे मैं हूँ तो मैं 5-6 घंटे शूट करता हूँ, कभी किसी चैनल पर, कभी किसी चैनल पर, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ जब मुझे फुर्सत मिलती है मैं टहलने लगता हूँ। 5-10 मिनट भी मिलते हैं तो मैं टहलता रहता हूँ, फिर शूट करता हूँ, फिर टहलता हूँ, फिर शूट करता हूँ, फिर टहलता हूँ। ऐसे मैं 1 घंटा या उससे ज़्यादा रोज़ टहल लेता हूँ ताकि मैं खुद भी तंदुरुस्त रहूँ। एक तंदुरुस्त डॉक्टर का या वैद का मशवरा लोग ज़्यादा कीमती मानते हैं। मतलब जैसे मैं बेडोल बहुत मोटा हूँ, मेरा पेट निकल गया है और मैं पेट वाले को नुस्खा बताऊँगा तो कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। मैं अगर मेरे बाल नहीं हो ये तो मैं किसी बगैर बाल वाले को मशवरा दूंगा तो वो कहेगा इसके तो खुद ही बाल नहीं है। तो सबको मशवरा देने से पहले हमें खुद को स्वस्थ रहना मुमकिन है। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए, आप लोगों को अपना ख्याल तो रखना ही होता है, तभी तो आप लोग आगे किसी भी व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि हमने ये नुस्खा अपनाया था, ये नुस्खा हमें हकीम साहब ने बताया था, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए दर्शकों, एक एक बात को लिख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पर भी कोई चूक नहीं होनी है। अगर कुछ लिखने से आप लोग छूट जाते हैं तो आप उसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। इसी के साथ पहली कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। तस्लीम है, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। मैम जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं?
मैं पंजाब से बात कर रही हूँ, तरसेम कौर बात कर रही हूँ पंजाब से जी। मैंने आपके यहाँ से गोंसिया मंगवाया है और एलोवेरा का सिक्का मंगवाया है मैम, ठीक है? ठीक है। ते ओ जो मैं गोंसिया ले रही हूँ, एक एक चुटकी, पहले आधी से चुटकी लेती थी, अब एक एक चुटकी मैंने शुरू कर दी है। तो मेरे जो बाएं सर्कल है पैर है ना, उसमें ना थोड़ा सा वजन सा भारी भारी लगता है, थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, तो उसके लिए सर बताइए मैम आप। कितने दिन से ले रहे हैं तस्लीम आप ये नुस्खा? मैं 15 दिन से ले रही हूँ, एलोवेरा का सिरका भी ले रही हूँ। स्किन की एलर्जी भी है मुझे, खांस होती है, धप्पड़ पड़ती है और पेट में कब्जी भी रहती है, पेट साफ नहीं होता, गैस बनती है बहुत, सर में भी गैस चढ़ जाती है। ठीक है, देखिए एक चुटकी नहीं, दो दो चुटकी लीजिए। ये जो आप गौंसिया ले रहे हैं, दो दो चुटकी लीजिए और हो सकता है कि टांगों में खिंचाव सा आ जाए, अनिजी सा लगे, तो ये जो कुछ होगा वो गौंसिया से ही होगा। हो सकता है दर्द बढ़ जाए, तो फिक्र नहीं करना, ये दवा से ही होगा। 1-2% लोगों को खिंचाव या दर्द बढ़ जाता है, तो ये एक मुकम्मल इलाज है, रॉ मटेरियल है, असली आप तक पहुंच चुका है। और पेट अगर आपका इम्प्रेस रहता है तो मेथी का दाना 100 ग्राम और धनिया का दाना 200 ग्राम पाउडर बना लें और एक एक चम्मच खाया करें आप खाने से आधा घंटा पहले पानी के साथ, और ये दवाएं जारी रखिए। मेरा अनुभव है कि ये चीज़ें ख़त्म होने से पहले आदमी का रोग ख़त्म होना मुमकिन है, और अगर वो तप्पड़ से पड़ते तो एक चुटकी रोज़ाना इसमें सिरके के पानी में ये जो सोडा होता है खाने का वो मिलाकर आप खा लिया करिए रोज़ाना कम से कम एक बार, तो वो एलर्जी भी आपकी ठीक होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ अगले कॉलर हैं, मथुरा से रवि, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी रवि जी, बताइए आपका सवाल क्या है। मैडम मेरा सवाल ये है कि जो मेरी माता जी जो है हाँ? उनको हर तीन से चार महीने में क्या है कि टाइफाइड हो जाता है जी? अब वो हम टेस्ट भी कराते हैं, वो दवा भी लेती हैं, देसी भी लेती हैं और एलोपैथी भी लेती हैं जी। तो वही उम्र कितनी है उनकी? हाँ, माता जी की उम्र है 55 साल है। ठीक है, तो देखिए टाइफाइड का इलाज वही अच्छा है जो आप एलोपैथ का लेते हैं, लेकिन टाइफाइड वालों को वो इलाज पूरा होने के बाद फिर एक बार टेस्ट कराना चाहिए कि टाइफाइड फिर तो नहीं हुआ या बाकी तो नहीं रह गया। ये हमें कमी होती है कि हम उसके बाद नहीं करते। अच्छा, टाइफाइड जब हमारे लीवर तक पहुंच जाता है तो फिर आंतों का तो ठीक हो जाता है और लीवर में रह जाता है, तो इन दोनों का इलाज होना चाहिए। टाइफाइड जब भी हो उनका वही इलाज करें जो आप करते हैं, लेकिन धनिया ले लें, धनिया जो आपके किचन में है इसको खूब बारीक पाउडर बनाएं और अभी से शुरू करें इसको। एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून बिल्कुल नमक जैसा ही दिखने वाला एक रसायन है जो नमकीन नहीं होता, दिखता बिल्कुल नमक जैसा है, ये 100 ग्राम खरीद लें। धनिया 200-300 ग्राम पिसवा लें, अच्छा सा भरोसे का, मिलावट का ना हो। एक चम्मच सुबह एक चम्मच धनिया खिलाएं, उसमें एक चुटकी में जितना भी नमक जैतून आए इसमें मिलाकर सुबह खाने से पहले आधा घंटा पहले खिला दिया करें, और रात को भी इसी तरह आधा घंटा पहले खाने से ये एक एक खुराक खिलाया करें पानी के साथ, आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। हकीम साहब, आपने अपना वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आपका भी और आपके चैनल वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, अब मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।